उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे दोस्तों। जैसा कि कहावत है दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें अपने हेल्थ पे जरूर से आप ध्यान दीजिए दोस्तों। आज चलिए अपने टॉपिक की ओर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे बच्चों के मार्क्स दिए हैं सब्जेक्ट वाइज और हमें उनकी पोजीशन निकालनी है कि इतने परसेंट से ऊपर है तो फर्स्ट आ जाए, इतने परसेंट से ऊपर है तो सेकंड आ जाए, और इतने परसेंट से ऊपर है तो थर्ड आ जाए, अदरवाइज फेल हो जाए, तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मेरा टोटल बच्चों के फिजिक्स के मार्क्स दिए गए हैं ये पूरे, है ना, और ये हमारे केमिस्ट्री के मार्क्स दिए गए हैं और ये हमारे मैथ्स के मार्क्स दिए गए हैं। अब हमें इन्हें टोटल, मैंने यहाँ इसको टोटल कर लिया है। टोटल के लिए मैंने क्या किया है, सम इक्वल टू C3 से F3 कर लिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ये वाला साइन आप यूज कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा सम। ठीक है, इसको कॉपी करके आप यहाँ फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए तो ये हमारा सम आ जाएगा। हमने परसेंटेज के लिए क्या किया है, हमने परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया है, दिस इक्वल टू डिवाइडेड बाई 150, ये हमारा परसेंटेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ F1 को फ्रीज कर देंगे क्योंकि ये हमारा जो टोटल मार्क्स है, अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे तो F2 आ जाएगा, फिर F3 आ जाएगा, तो जबकि मेरा टोटल मार्क्स F2 में तो है नहीं, F3 में तो है नहीं, इसलिए मुझे यहाँ फ्रीज करना होगा क्योंकि अदरवाइज फार्मूला इरर आने लगेगा। अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा परसेंट। अब हम यहाँ पोजीशन का यूज करने जा रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, देखिए अगर किसी भी फॉर्मूले को, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और किसी भी वैल्यू के आउटपुट के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं कि जैसे मैं जो मैथड इसमें यूज करने जा रहा हूँ, हो सकता है और कोई मैथड हो, बहुत सारे मैथड हो, तो अगर आपके मन में कोई मैथड आता है कि हाँ सर इस ट्रिक से भी हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में आपके भी थॉट को शेयर जरूर करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे, इफ़ फॉर्मूले का यूज करेंगे, लॉजिक टेस्ट देंगे हम यहाँ, दिस इक्वल टू ग्रेटर देन, पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है, 60% है तो हम यहाँ कर देंगे ग्रेटर देन 60%। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू फर्स्ट। ठीक है, अब फॉल्स की ओर बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इफ़ का यूज कर लेंगे, इफ़। अब दूसरा हमारा क्राइटेरिया यहाँ क्या होगा, G3 इज ग्रेटर देन 50 है मेरा। ठीक है, तो हमारा क्या है, सेकेंड। अब फॉल्स, फिर यहाँ हम इफ़ का यूज कर लेंगे, इफ़। अब लॉजिक से तीसरा हम देंगे, वेल दिस पर्सन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमारा क्या है, थर्ड। ठीक है, और फिर हम लास्ट में एक क्राइटेरिया देंगे, थर्ड ये आ जाए, अदरवाइज। अब जैसे ही कॉमा लगा रहे हैं, ये देखिए वैल्यू इफ फॉल्स, अदरवाइज ये क्या आ जाए, फेल लिख के आ जाए। अब मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, हमने इफ क्या इतनी बार यूज किया, 1 2 3, तो यहाँ 3 बार हम ब्रैकेट बंद करके एंटर मार देंगे। ठीक है, ये देखिए आपके इस फॉर्म में हमको एक चीज और करना है, यहाँ हमने 50 लिखा है, इस यहाँ हमको 50% कर लेना है। ठीक है, यहाँ भी हमको 30% कर लेना है क्योंकि हमने परसेंट का सिंबल ले रखा है, यहाँ पे मेरा परसेंटेज दिया है इसलिए, और एंटर मार दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब आपको एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ 52 लेता हूँ, देखिए पोजीशन क्या की, सेकंड, 50 से ऊपर है हमारा क्राइटेरिया है, 50 से अगर ऊपर है हमारा क्राइटेरिया, 50 से ऊपर है तो हमारा सेकेंड है, सेकेंड आ गया। अब हम यहाँ जैसे 29 देते हैं तो ये देखिए फेल आ जा रहा है, 30 के नीचे है तो फेल है ना, तो फेल हो जाएगा लेस देन 30, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू तक 30 तक लिया, उसके बाद जितनी वैल्यू आएगी फेल ही आएगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ आप परसेंटेज को यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, ये पूरा आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे 45 देखिए थर्ड आ जा रहा है ना, तो आप ये यूज, इस ट्रिक का भी यूज करके कर सकते हैं, और भी इसके 2-3 ट्रिक्स हैं, अगर आपके मन में आता है ट्रिक्स तो मुझे शेयर करिए, तो मैं आपको आप आने वाली वीडियो में उस चीज़ को, मैं आपके भी थॉट के हिसाब से उसको शेयर करूंगा जरूर। अब देखिए इसमें मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो दी गई है इसमें अगर फेल हो तो वो रेड से हाईलाइटेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स में आएंगे। ठीक है, ये जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस, सेल वैल्यू ले लेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, यहाँ लिख देंगे फेल। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद बॉर्डर कुछ नहीं करना, हमको फिल कर देंगे, रेड से आ जाए फेल। ठीक है, और यहाँ हम फॉन्ट भी दे सकते हैं, बोल्ड हो जाए। ठीक है, ओके कर दीजिए, तो जितनी हमारी फेल की ये देखिए, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारी कौन कौन बच्चे फेल है तुरंत, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा पे लगा के, फिल्टर लगा के हम कलर वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ,
तो ये पता चल जाएगा इतने बच्चे हमारे फेल हैं, इनका प्रिंटआउट लिस्ट निकाल के आराम से दे सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।